नहीं होता। बुढ़ापे में देखा होगा आपने कि सब कुछ वृद्धावस्था में आने पर भी, चलो आपने हो गया वृद्धावस्था आ गई, सांसारिक कर्म पूर्ण हो गया, वानप्रस्थ आश्रम चलते भगवान की भक्ति करते हैं, संन्यास आश्रम लेते हैं, लेकिन नहीं, वो उसी में ही पड़ा रहता है, फिर उसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे अपना पालन वे अब उसका पालन करते, वृद्धावस्था का अनुसार रूप बिगड़ जाता है, रोगी शरीर रोगी हो जाता है, मंद अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन पुरुषार्थ दोनों कम हो जाते हैं, फिर भी वो मरणमुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुरुष पुत्र आदि के अपमान पूर्वक देव टुकड़े पर खाकर जीवन निर्वाह करता है। मतलब यहाँ पर ये इसलिए बता रहे हैं कि गृहस्थ के अंतिम काल में वृद्धावस्था आने पर व्यक्ति को भगवान में भजन लगा मन लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो पहले के अभ्यास के कारण उसी में पड़ा रहता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास की नलिका कब से रुक जाती है, खांसने और सांस लेने से भी उसे बड़ा कष्ट होता है, कफ और बढ़ जाने के कारण कंठ में घुघराहट होने लगती है, या अपने शोकातुर बंधु बांधव से गिरा पड़ा रहता है। यानी ये जो आसक्त पुरुषों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो संसार में केवल आसक्त रहते हैं, उनकी दुर्गति कैसे होती है। मृत्यु के पास के वसुपत होने जा रहे पुरुष के बुलाने पर भी वो बोल नहीं सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब में लगा रहता है, वो रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना सचित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते परंतु संसार में ही लगे रहते हैं, लोग बोलते हैं कुछ, अरे भगवान की भक्ति में क्या रखा है, भगवान के भजन में क्या रखा है, खाओ पियो मौज करो, छल कपट बेईमानी कुछ भी करो, बस पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से, बेईमानी करके चाहे शॉर्टकट मार्ग पाप हो चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे जो मूढ़ लोग होते हैं भगवान की भक्ति साधन दान पुण्य तप तपस्या नहीं करते हैं और उसी के ही लगे रहते हैं, तो ये लोग अंत में जब इनकी जब मृत्यु होती है तो इनको बहुत कष्ट के साथ इनको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। परंतु जो भक्त रहते हैं उनका जो है उनका उनकी जो सद्गति दूसरे प्रकार से होती है, जैसा कि सुखदेव जी ने प्रथम अवस्था में जो प्रथम स्कंद में बताया था। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्र वाले दो यमदूत आते हैं। देखो जो ऐसे जो लोग होते हैं उनको लेने के लिए यमदूत आते हैं। तो अब आप जो भगवान के नहीं भक्ति करते हैं, लोग बोलते हैं भगवान की भक्ति क्यों करना, भगवान की उपासना क्यों करना, बुढ़ापा आ गया फिर भी उसमें नहीं रहते, अरे बुढ़ापे में कहाँ भजन हो रहा है, वही उसी में लगे रहते हैं। देखा है जो आपने देखा होगा, कितना भी कहो वो भूत प्रेत पिशाचों को पूजेंगे या कहीं जाकर चादर चढ़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। ये मूढ़ लोग होते, इनका अंत बहुत भयानक होता है। तो ऐसा अंत भयानक रूप से न हो और ऐसे जीव भटकते रहते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो फिर ऐसे लोगों को लेने के लिए तो यमदूत आते हैं। जिन्हें देखकर वो भय के कारण मल मूत्र त्याग देता है। जब शरीर छोड़ते समय यदि मल मूत्र का त्याग होता है तो वो उसको दुर्गति मानी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय उसको यमदूत देखकर वो भयभीत होता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डालते हैं, वहां पर एक नया शरीर उसको देते हैं जिसको यातना देह कहते हैं, यातना शरीर कहते हैं। और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते उसी प्रकार उसके गले में रस्सी डालकर बलात् यम लोक की लंबी लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उसकी घुड़कियों से सदा हृदय फटने शरीर कांपने लगता है, उसे मार्ग में कुत्ते नोचते रहते हैं, उस समय अपने पापों को याद करके वो व्याकुल हो जाता है, भूख प्यास उसे बेचैन कर देती। कई लोगों को इस लोगों को कल्पना लगती है, लेकिन कई लोगों ने जो यम यम ऐसे वीडियो भी आप यूट्यूब में देखना, कि मैंने एक दो चार वीडियो ऐसे भी सुने कि जो लोग, और ऐसे अनुभव पुस्तकों में भी वर्णन आते हैं।